अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी अखिलेश यादव को नसीहत देते नजर आए और इस नसीहत के बहाने कांग्रेस पर जमकर भस्मासुर होने का ताना भी कस दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब समीक्षा का दौर जारी है। इसी कड़ी में यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें भूपेन्द्र चौधरी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और इसी बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सतर्क रहने की नसीहत भी दे डाली। लेकिन अखिलेश भी कहाँ कम है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपने मन की बात लिखकर बीजेपी को भरपूर जवाब दे डाला। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर क्या बोला था। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की जनता ज्यादा बार धारा 356 का इस्तेमाल करके विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने का काम, गिराने का काम, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस ने प्रदेश में अलग अलग दलों के साथ जाकर अपना स्वार्थ ठीक हो उन सभी पार्टी को रसदताल में पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आज दलित मंचों की पार्टी के झूठ बोलकर अन्य दलों के वोट भले ही उन्हें लेने का प्रयास किया लेकिन कभी कांग्रेस ने दलितों का, कमजोर लोगों का भला नहीं किया। तो भूपेन्द्र चौधरी ने सीधे सीधे निशाना तो कांग्रेस पर साधा और इसी बहाने अखिलेश यादव को भी लपेट लिया। मगर फिर देर नहीं लगी, अखिलेश ने भी आगे बढ़कर इसका जवाब दे दिया। उन्होंने लिखा, आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। यानी भूपेन्द्र चौधरी को अखिलेश यादव की तरफ से करारा जवाब मिल चुका है। बता दें कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सारी पार्टियां अपनी अपनी समीक्षाएं कर रही हैं और इसी कड़ी में रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और इसी बहाने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साध लिया। कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, अरुण सिंह सहित पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी और तमाम बीजेपी के बड़े नेता उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए जोश भरा और लगे हाथों विपक्षी पार्टियों पर ताना भी कस गए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।